और चिस्त माला पहनाने के लिए मेरा निवेदन रहेगा रिमजा राम जी मेघवाल, रिमजा राम जी डगानाथ जी, निम्बा राम जी, अति विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में, क्या बात है, माननीय कलेक्टर साहब लोकबंधु जी, इनका साफा पहनान कर स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा नवल किशोर जी गोदारा साहब से। कलेक्टर साहब को स्वर उठाकर स्वागत करने के लिए मेरा निवेदन रहेगा जय सिंह जी। स्वास्थ्य बीमा में आपने ले लिया, अगल बगल का भी ले लो, ले लेता हूँ, अगल बगल देख लेते जोगी थे, उनके हमने कैम में पट्टी जारी करके इनकी फर्स्ट जारी कर दी। मौका में 8 भूमि इनसे सर, उनका हमने भूमि विस्तार का प्रपोजल भिजवा दिया है। उर्दू में सर एक क्लियर हो गया है, एक पेंडिंग है। सिम में सर सर पंचायत भवन का गवर्नमेंट का एस्टिमेट 41 लाख का है और इन्होंने 1,05,00,000 का भवन गवर्नमेंट को दिया। यही बात नहीं, बड़ी बात तो इन्होंने ये की कि जो मुख्यमंत्री की योजना है चिरंजीवी, जिसमें गरीबों को किसी के अचानक खुदा करे बीमार ना हुआ कोई होता है तो उसमें 5 लाख रुपए तक की मदद मिले। इस पंचायत में एक भी उस योजना से वंचित नहीं रखा है और वो जो पैसे थे वो इस अपने जेब से इन्होंने सारों को दिए 170, ऐसा कोई नहीं करता। जब ये पंचायत बनी थी तब लोग विरोध कर रहे थे, आपको भी बहुत कुछ खा था। हाँ, ये तो लोगों का सियासत में धंधा है, कोई खुश तो किसी एक मार्ग से कोई नहीं होता है, कोई विरोध करता है कोई सपोर्ट करता है, लेकिन काफी लोगों ने विरोध किया था। पर कलेक्टर ने मेरा सपोर्ट किया इसलिए बन गई। आमतौर पर तो सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो ये कितनी बड़ी मिसाल है, इसे किस तरीके से देखते हैं, इससे सबक बाकी लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए इन सब चीज़ों से? सीखना चाहिए, पर लालच जो है इंसान को मरीज बना देता है। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पंचायत आपने बनवाई थी या गांव वालों की मदद से MLA साहब की, और उसके बाद में किस तरीके से आपकी मदर को सरपंच बनाया और आज आपने एक नई मिसाल पेश की है, ऐसा आपने आइडिया कहाँ से आया, किस तरीके से?
बिहार ग्राम पंचायत से दो पंचायतें अलग होकर के एक राखड़ी बनी और दूसरी बूढ़ा तला बनी। तो ये बूढ़ा तला पंचायत अलग बनाने का 100% मतलब योगदान अमीन साहब एमएलए साहब का ही था। उन्होंने ही मैं जब उनसे मिलने को गए थे हम गांव वाले, तब उन्होंने कहा कि आपको हम अलग से एक गांव बना के देते हैं। तो अमीन साहब ने जब पंचायत अलग बना करके दी तो उसके बाद गांव वालों ने, सभी गांव के मौजी और पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के कहा कि अपना नया पंचायत बनी है अपनी, तो क्यों ना अपने इस पंचायत में किसी सरपंच को निर्विरोध बनाया जाए। अब मैं भी साथ में था, मुझे भी मालूम नहीं था, मैं भी हाँ हाँ कर रहा था, निर्विरोध बने तो अच्छा। फिर जो गांव के मुखिया थे उन्होंने कहा भाई देखो निर्विरोध सरपंच बनाते हैं, उससे कुछ आगे विकास होगा, गवर्नमेंट भी कुछ फैसिलिटी देगी, या निर्विरोध बनाने से अच्छा होगा, हमारा मन ये है। सब ने हाँ बोला। इतने में आधा घंटा वो बाहर से चर्चा कर करके और गांव वाले आए पूरे, तो उसमें मेरी मदर का नाम आया। मुझे तो सपने में भी मालूम नहीं था भाई, हमने काम तो पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हम आपकी मदर को इसके लिए बनाना चाहते हैं कि आप गांव के लिए कुछ सहयोग करें। तब इतना उन्होंने आपको भी कुछ बना करके बैंक कर दूँ कुछ अच्छी चीज़, तभी ये गांव वाले और अमीन साहब के आशीर्वाद से ये भवन बना है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है इसके अंदर सर? अंदर क्या क्या बनाया गया, गार्डन वार्डन मतलब स्टेज वगैरह या क्या क्या? ये पंचायत भवन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स से और साइज से जो बनता है उससे हमने थोड़ा उसी प्रकार का ही उसमें थोड़ा सा बड़ा किया है, हमने बड़ा बनाया है। सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग का हॉल एक बहुत बड़ी साइज़ का है जिसके अंदर 200 से ज़्यादा जने बैठ करके मीटिंग हो सकती है। सरपंच के लिए ऑफिस बनाया है, उसके अंदर अटैच बाथरूम दिया हुआ है, WC दिया हुआ है ताकि फैसिलिटी अच्छी मिले। और साइड में दो ऑफिस और दिए हैं ग्राम सेवक जी और पटवारी जी के लिए। एक और उसमें उनका कुछ फाइलें रखने के लिए एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ है। और उसके बाद लेडीज़ के लिए टॉयलेट घर और जेंट्स के लिए भी टॉयलेट घर, ये भी अलग अलग हमने बनाए हैं। गार्डन वार्डन भी बनवाया है, बाउंड्री वॉल सर? बिल्कुल, ये बाउंड्री वॉल बनाई है और उसके बाद गार्डन भी बनाया है। उसके आसपास काफ़ी नंबर्स में पौधे लगाए हैं, ये धूप भी लगाई है और इंटरलॉकिंग टाइल वगैरह अभी आप देख रहे हैं, ये सब कंप्लीट है।